हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड नाइन सिंड्रोम का 79 माने 79वां वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड नाइन सिंड्रोम बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली दवाई का नाम है कोका इंडिका। इसमें क्या होता है कि अगर किसी फीमेल पेशेंट को पीरियड हो गया, उसके बाद में हल्का फुल्का दर्द हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर एक शेड्यूल बन गया है कि पीरियड के बाद भी उनको हेडेक होना है तो ऐसे पेशेंट को कोका इंडिका दो बूंद करके दिन में सुबह शाम लगातार ऐसी फीमेल पेशेंट ले लें, तो उनका जो पीरियड के बाद जो हेडेक होता है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है लैकेसिस। और इसका एक सिम्टम, रेड लाइन सिम्टम यह है, पीरियड तो कुछ नहीं हुआ, पीरियड छोटा हुआ लेकिन दर्द ज़्यादा हो गया, तो ऐसे फीमेल पेशेंट को लैकेसिस लेना चाहिए। लैकेसिस 200 सप्ताह में एक बार लगातार कुछ दिन देने से, तो अगर उनके प्रॉब्लम होती है कि पीरियड तो छोटा हुआ, स्मॉल हुआ, लेकिन दर्द से ज़्यादा परेशान होती हैं, तो ऐसे पेशेंट को लैकेसिस 200 सप्ताह में एक बार देने से उनका इस तरह का प्रॉब्लम ठीक होता है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बोविस्टा। इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर जो है आप सवेरे सुबह उठते हैं, तो सवेरे उठते ही आपको जो है अर्टिक्रिया हो गया। अर्टिक्रिया तो सब समय होता है, लेकिन अगर आपका शेड्यूल बन गया है कि सुबह सुबह उठे आप अर्टिक्रिया हो गया, उसके बाद ठीक हो गया, फिर अगले दिन सुबह उठे फिर आपको अर्टिक्रिया हो गया, तो ऐसे केस में बोविस्टा 200 सप्ताह में एक बार लेने से उनका इस तरह का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक होता है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को पल्पिटेशन होने लगा, यहाँ पर उनको धक धक करने लगा, और उसको हाथ से दबा दिए, अगर ऐसे दबा दिए तो आराम हो गया, उसके बाद में छोड़ दिए फिर हो गया धड़कन, और फिर थोड़ा हाथ से प्रेशर दिए, माने हाथ से प्रेसिंग किए, हाथ से दबा दिए, तो उनका ठीक होता जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट को अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देने से उनकी इस तरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मैगमूर। और इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है, आपको पेशाब लगी है तो आप पेशाब करने गए, आपको पेशाब नहीं उतरा, उसके बाद में आप थोड़ा देर के लिए थोड़ा मूवमेंट किए, इधर उधर चले, तो आपका पेशाब आ गया। ये परेशानी किसी भी रोग में हो, किसी भी UTI के इन्फेक्शन में हो, चाहे सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो, अगर आप खड़े होकर पेशाब करते हैं, पेशाब नहीं होता है, थोड़ा सा मूवमेंट किए पेशाब आ गया, इसके लिए मैगमूर 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, देखिए आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सारिसिया। और इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर किसी को ब्रेस्ट में कैंसर हो गया है और उसके साथ में उसको इचिंग होती है, हालांकि ब्रेस्ट का कैंसर बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही जानलेवा होता है, जल्दी नहीं ठीक होता है, लेकिन कोई कोई केस में अगर जो है ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, उसके साथ में इचिंग हो रही है, तो सारिसिया इसकी रामबाण दवाई है। सारिसिया जो है 30 पावर की 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार देने से उनका इचिंग ठीक हो जाएगा, और हम कैंसर पर दवा नहीं करते ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर हनुमान ने लिखा हुआ है कि अगर ब्रेस्ट में कैंसर है और उसको इचिंग होती है, तो इस दवाई की परीक्षा की जानी चाहिए, पेशेंट को इससे आराम होने का चांस रहता है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है म्यूरेक्स। और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर किसी फीमेल पेशेंट को पीरियड होता है, तो अगर ज़्यादा होता है पीरियड तो उसको तकलीफ होती है, लेकिन म्यूरेक्स का जो पेशेंट होता है तो उसको जितना ही ज़्यादा ब्लीडिंग होगी उसको उतना ही आराम रहेगा, उसको शरीर में ऐसा एक्टिविटी होता है कि वो बोलते हैं कि हमारा पीरियड ज़्यादा होता है तो हमको अच्छा लगता है, हमको आराम मिलता है, तो ऐसे पेशेंट को म्यूरेक्स 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देने से उनके इस तरह की प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्स भूमिका का बहुत सारे सिम्टम हमने बता दिया है, एक सिम्टम और मैं आज ऐड कर दे रहा हूँ। अगर किसी को हिचकी आ रही है और हिचकी से उसकी नींद नहीं आ रही है, और जब सोने जा रहा है तो हिचकी आ गई, तो आप परेशान हो जाएंगे कि अब क्या दवाई लें, तो अगर आपके घर में नक्स भूमिका है तो आप नक्स भूमिका 30 पावर में 15 मिनट पर 3-4 बार दीजिए, 5 बार दीजिए, उनकी इस तरह की हिचकी ठीक हो जाएगी और पेशेंट को आराम से नींद आएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट है drpstiwari.com, आप हमारे ऐप में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमारा ऐप का नाम है drpstiwari, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।